हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं रोज़ कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ इसका एक पार्ट अपलोड करूं। तो फ्रेंड्स, आज ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं फिजिक्स के। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10^15 या 10^16 मीटर के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के समतुल्य होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के समतुल्य होता है? तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? फ्रेंड्स, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सबको मालूम होगा। तो एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल किसे मापने के काम आता है? डेसिबल किसे मापने के काम आता है? तो फ्रेंड्स, डेसिबल ध्वनि मापने के काम आता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1971 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य है? एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 10^-6 मीटर के तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन किस प्रकार की राशि है? फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, यानी ये एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अर्ग, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घन कोण का मात्रक क्या है? घन कोण का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
एक माध्य दिवस में कितने सेकंड होते हैं? एक माध्य दिवस में कितने सेकंड होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड होते हैं एक माध्य दिवस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य किस प्रकार की राशि है? तो फ्रेंड्स कार्य अदिश राशि होती है, तो कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्रव्य का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्य का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव्य का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पारे का हिमांक कितना होता है? पारे का हिमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 39 डिग्री सेल्सियस होता है। पारे का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको मालूम ही होगा। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो फ्रेंड्स वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो फ्रेंड्स आज से मैंने आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।